और बड़ी खबर आपको बता दें, तूफान बिपरजॉय की वजह से राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आज राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पाली, सिरोही, अजमेर, टोंक में अगले कुछ घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोटा, बारा, बूंदी, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 6 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। ये जिले हैं अजमेर, जयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और झालावाड़, जहां मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उधर राजस्थान में बिपरजॉय तूफान का कहर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसमें मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए अगले 3 घंटे मुश्किल भरे बताए हैं। बिपरजॉय तूफान राजस्थान पहुंचने के बाद कई जिलों के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद मौसम विभाग की तरफ से पाली, सिरोही, अजमेर और टोंक जिलों को रेड अलर्ट दिया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश के साथ तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की और लोगों को आगाह किया कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, जबकि बिपरजॉय तूफान पिछले 24 घंटे से राजस्थान में कहर बरपा रहा है। उधर राजस्थान के जालौर में बिपरजॉय तूफान की वजह से उफनाई नदी ने हाईवे पर आफत ला दी। बारिश की वजह से हाईवे के ऊपर बह रही बामड़ी नदी के सैलाब में दर्जनों ट्रक फंस गए, जिसके बाद प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। बिपरजॉय तूफान की वजह से पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से जालौर में बहने वाली बामड़ी नदी ओवरफ्लो हो गई और उसका सैलाब दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर देखने को मिला। सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रक फंस गई है। हाईवे, मेन हाईवे जो कांडला पोर्ट को कनेक्ट करता दिल्ली से, हाईवे पर बेहिसाब पानी की वजह से फंसे ट्रकों को निकालने के लिए सेना बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे सेना के जवानों ने सैलाब के बीच में फंसे ट्रकों में से उनके चालक और सहयोगियों को बाहर निकाला। उधर राजस्थान में तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से हो रही बारिश ने कई जिलों में हालात मुश्किल बना दिए और अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग ने 7 जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने अजमेर, जयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और झालावाड़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी राजस्थान में भीषण बारिश और तूफानी हवाओं का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में दिखने लगा है। राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त तेज हवाएं चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे कई जिले हैं जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इससे शहरों में पानी भरना शुरू हो गया। भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बाद जालौर में पांचला बांध टूट गया, जबकि बाड़मेर में नाले उफान से बहने लगे। उधर पाली में भी भारी बारिश का असर दिखा, सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी भर गया। भारी बारिश के बाद जालौर में रेल सेवा पर बुरा असर पड़ा। सांचौर में हालात को देखते हुए सेना को बुलाने का फैसला किया गया। बताया गया कि सांचौर में 30% से ज्यादा इलाकों में पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और भिलवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पुष्कर में बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जहां निचले इलाकों में जलभराव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वहीं परिक्रमा मार्ग में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ तेज हवाओं के बाद गिर गया। नाग पहाड़ी से पानी आने के चलते सरोवर में 5 से 8 फुट तक पानी और बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते स्थानीय तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। लेकिन बरसाती पानी के साथ सीवरेज और नालियों का गंदा पानी भी सरोवर में गिरने से पुरोहित बेहद नाराज है।